तीन कृषि काले कानून, बिजली विधेयक व पराली जलाने पर किसान को कैद व भारी जुर्माने आदि किसान विरोधी फैसले वापस लेने की मांग को लेकर किसान अब निर्णायक लड़ाई लड़ेगा। यह जानकारी हरियाणा के हिसार में यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए किसान सभा के राज्य प्रधान फूल सिंह शौकन व राज्य उप प्रधान माननीय शेर सिंह ने संयुक्त रूप से दी। किसान नेताओं ने बताया कि काले कानूनों के विरोध में देश भर का किसान एकजुट हो चुका है। संघर्ष के लिए जो भी फैसला अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति ले रही है, पूरे देश में किसान उसी तरह आंदोलन कर रहा है। उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर को पूरे हरियाणा में टोलों को पूर्ण रूप से टोल फ्री रखा जाएगा, किसी भी वाहन से टोल नहीं लेने देंगे। इसके अतिरिक्त 14 दिसंबर को पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर उपायुक्त कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। राज्य प्रधान फूल सिंह शौकन ने कहा कि किसान सभा की प्रत्येक ग्रामीण इकाई अनुशासन को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान करेगी। इसके अलावा पूरे प्रदेश में गांव-गांव में जनसभाएं करते हुए किसान दिल्ली पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि हिसार जिले के हर गांव के प्रत्येक घर से एक किसान दिल्ली जाएगा और हिसार में 12 दिसंबर को टोल फ्री करवाते हुए दूसरे संगठनों का सहयोग लेकर प्रदर्शन करेंगे। ऐसा है कि आज हम प्रेस के भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि आज जो किसानों का आंदोलन है वो एक चरम सीमा पर पहुंच रहा है और ये आंदोलन भी खास तौर पे इस बात को लेकर है कि केंद्र की सरकार ने जो तीन काले कानून बनाए हैं, मोदी जी उनको कहता है कि किसान की आज़ादी है और देश का किसान कहता है कि देश की बर्बादी है। ये कॉरपोरेट घरानों के लिए, यहाँ की खेती को ख़त्म करने के लिए, यहाँ की मंडियों को ख़त्म करने के लिए, आढ़तियों को ख़त्म करने के लिए और ऐसी हालत बना करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से किसान को अपने ही खेत पे मजदूर के तौर पे रहना पड़ेगा। और ये पूरे देश के किसानों की बात समझ में आ गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब भी कुछ प्रचार कर रहे हैं जिनको ज्ञान नहीं, ना खेती के बारे में जानकारी है, ना वो खेती करते हैं, ना उनको मालूम है, उनके सलाहकार भी ऐसे हैं। अब किसान को ये समझ में पूरे तौर पर आ गया कि बिल्कुल किसान विरोधी है। अखिल भारतीय किसान सभा ने तो पूरे देश के अंदर जिस दिन ये कानून बना था हमने पूरे देश के अंदर इसकी पर्तियां फूंक दी थी और कहा था किसान विरोधी है। और धीरे धीरे तमाम किसान संगठनों के संबंध में बात आई और आज देश भर में 300 से ज़्यादा किसान संगठन इकट्ठे हुए और पिछले 2 महीने से इसके लिए जगह जगह धरने, प्रदर्शन और विरोध चल रहा है। और ख़ास तौर पर पंजाब के किसानों ने 2 महीने से रेल मोटर रोक करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन जहां सुनाई नहीं हुई पंजाब के किसानों की, 2 महीने बैठे रेल की पटरियों पे मजबूर होकर के इन संगठनों ने आह्वान किया कि वे दिल्ली कूच करते हैं। 26-27 नवंबर को दिल्ली चलने का कार्यक्रम बनाया, लेकिन जब दिल्ली जाने लगा पंजाब का किसान, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बहुत ही, हम तो कहेंगे वो एक घटिया काम मतलब किया और पंजाब की सीमाओं के ऊपर सबको रोक दिया, खड्डे खुदवा दिए, ट्रेले खड़े करवा दिए पुलों के ऊपर, हवा निकलवा दी उनकी और मिट्टी के ढेर डलवा दिए। ये जब सब हो रहा था तो हरियाणा के किसानों को भी ये महसूस हुआ कि हमारे बड़े भाई पंजाब के दिल्ली जा रहे हैं, हमको जाने नहीं दिया जा रहा। तो पंजाब हरियाणा के किसानों ने, जवानों ने मिलकर के तमाम बैरिकेडों को तोड़ा और आज लाखों की संख्या में दिल्ली पहुँचे। और इससे एक नई बात जो आई, पहली बार ये नारे लगे जब हरियाणा के अंदर पंजाब के किसान आए कि पंजाब और हरियाणा का भाईचारा जिंदाबाद, और छोटे भाई बड़े भाई के तौर पर हरियाणा के जनता ने, खास तौर पर किसानों ने उनके ऊपर फूल बरसाए, लड्डू खिलाए, खाना खिलाया, बहुत भारी मदद की जिससे उनको और हौसला बढ़ा। और पंजाब के जत्थे जब हरियाणा से निकलने लगे, पंजाब के किसान ने भी महसूस किया हम पीछे क्यों रहे, और वो खट्टर सरकार की बात को आज झूठा साबित कर दिया। जो अखबारों में पहले तो कहते थे खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, अपने देश के नागरिकों को, किसानों को ये कहना उनका अपमान था। फिर ये कहा कि ये तो पंजाब के किसान, हरियाणा का कोई किसान ही नहीं दिल्ली। आज खट्टर साहब जाकर के देख ले दिल्ली के अंदर कि लाखों हरियाणा का किसान पहुंच चुका है और जाने लग रहा है। और इसमें आज हरियाणा के जो दिल्ली के आसपास लगते हुए जिले हैं वहाँ की जनता जो सहयोग दे रही है आप जाके देखेंगे, वो काबिले तारीफ, हम उनका तय दिल से धन्यवाद करते हैं। अभी बंद था कल 2 दिन पहले, आपने देखा उस बंद के अंदर हमारी तमाम जनता के हिस्सों ने, विद्यार्थियों ने, महिलाओं ने, मजदूरों ने, कर्मचारियों ने, सब ने मिलकर के, बुद्धिजीवी वर्ग है, वकीलों तक सब ने मिलकर के हमारा बहुत अच्छा सहयोग किया है।
क्योंकि सबने ये समझ लिया कि ये किसान विरोधी बिल हैं, किसानों को तो समझ में आ गई। अगर ये लागू होते हैं तो ना केवल किसान की बर्बादी होगी बल्कि उपभोक्ता है वो, जो बेजमीने लोग हैं, चाहे मजदूर है चाहे मध्यम दर्ज के लोग हैं, वो फिर इसके बड़े भारी शिकार होंगे। क्योंकि कॉरपोरेट जो कंपनियों का कब्जा हो जाएगा ना, तो वही होगा जो हमारे साथ जियो के साथ हो रहा है। जैसे BSNL को इनको बैठाने के बाद जियो का जो फंडा है वही होगा, और जिसका नतीजा क्या होगा कि जब फसल आएगी तो वो बिल्कुल सस्ते दामों पे खरीदेंगे, और जब उपभोक्ता को देंगे तो महंगे दामों के ऊपर बेचेंगे। प्याज का उदाहरण आपके सामने है, आलू का उदाहरण आपके सामने है। किसान का प्याज 2.5-3 रुपए किलो बिकता है और उपभोक्ता को 25 रुपए से लेकर के 90 रुपए तक, 100 रुपए तक किलो का प्याज खाना पड़ता है। तो इसलिए ये जो कानून है ये ना केवल किसान विरोधी हैं बल्कि ये देश विरोधी हैं। और आज जिन लोगों का भी देश से प्यार है वो आज किसान की मदद कर रहे हैं। सरकार की कोशिश थी कि लंबा खींच करके इसको बातचीत 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 कहते कहते 6 बार बातचीत होगी, एक कदम नहीं आगे बढ़े, वहीं खड़े हैं। जबकि किसानों की ये मांग है कि हमें तो हाँ नाम है, ये रद्द चाहिए, हमें चाहते ही नहीं, आप जो हमें ज़रूरत नहीं है, आप बना क्यों रहे हो कानून हमारे लिए, चिंता आपको ज़्यादा हो रही है, हमें ज़रूरत ही नहीं। तो इसको रद्द करवाने की मांग है। और अभी 12 तारीख को पूरे देश के अंदर, क्यों अभी तक ये उत्तरी भारत के अंदर खासतौर पर पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर आंदोलन था, अभी राजस्थान के अंदर पंचायत जिला समिति के चुनाव थे, वो 2 दिन पहले ख़त्म हो चुके हैं। अब राजस्थान का किसान उठेगा और अब चारों तरफ से दिल्ली को सील किया जाएगा। अभी पलवल वाली सड़क 2 दिन से बंद कर दी है जो आगरा की जाती थी, और टीकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर की तो आप हालात देख ही रहे हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है कि अनुशासन, लाखों लोग दिल्ली के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं अपने ट्रैक्टरों के साथ, लेकिन आज तक किसी एक रेड़ी वाले के साथ भी कोई घटना नहीं हुई। हालांकि हमारे 9 किसान साथी इस बीच में शहीद हो चुके हैं, हम उनकी शहादत को सलाम करते हैं और इस बात के भी हम वायदा करते हैं कि कितने किसानों को शहादत देनी पड़ जाए, लेकिन ये आंदोलन आगे बढ़ता जाएगा। ऐसा है कि अभी उसका कंक्रीट नहीं किया, जो भी ऊपर वाली कमेटी का फैसला आएगा। हरियाणा में तो हम ये काम कर चुके हैं, हरियाणा में हम सभी जगह जो MPs हैं, मंत्री हैं, उनके आवासों का घेराव कर चुके हैं, लेकिन यहाँ के मंत्रियों की तो जो अवकात आपके सामने ही है, यहाँ तक तो मुख्यमंत्री की अपनी कोई अवकात नहीं, ऊपर से जो इशारा वो करता है, क्योंकि उनके अंदर कोई वो जो होती है ना एक संवेदनशीलता या मानवता, वो उन पक्षों की उसको जानकारी ही नहीं है। ये तो हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य था कि पता नहीं कहाँ से ले आके बिठा दिया, कोई जीवन का ही नहीं पता किस तरह का जीवन रहा। मुख्यमंत्री बनने के बाद पता चला कि ये RSS का प्रचारक था कोई, RSS की तो भाषा शायद ये मुख्यमंत्री बहुत जानता हो, लेकिन किसान मजदूर और आम आदमी की भाषा कर्मचारी की समझ नहीं सकता। जो अधिकारी कहेंगे उसी के ऊपर भरोसा करेगा, इसका अपना कोई ना ज्ञान है ना उस तरह का सतर है। वो अलग बात है कि मुख्यमंत्री जब होता है तो उसके एक आदेश काम करते हैं, कोशिश की इसने यहाँ लड़ाने की, हरियाणा के अंदर कोशिश की जब बैरियर बंद किए कि यहाँ किसान और जवान लड़े, हर देश के अंदर देश की सुरक्षा कोई कर रहा है तो किसान और मजदूर के बेटा बेटी जो सीमा के ऊपर कर रहे हैं, पुलिस के अंदर कोई कर रहा है तो किसान के बेटा बेटी हैं, कोई बड़े पूंजीपति अंबानी अदानी मोदी या खट्टर की तो परिवार से कोई नहीं मिलेगा, हमें आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चाल अब मोदी की कामयाब होने वाली नहीं है। टोल के लिए जहाँ भी टोल है हम कहेंगे उस दिन के ये टोल फ्री करो, और टोलों के ऊपर धरने प्रदर्शन करके ये कंपनियों को संदेश देंगे कि अब यहाँ कंपनियों का राज नहीं चलेगा, किसानों के मामले में तो कम से कम नहीं चलेगा। ये मनमर्जी जो चल रही है, टोल आपके सामने आपके पास माइक टोल है, कितना था शुरू में लगे, रोज सरते बदलेगी अगर जनता नहीं खड़ी हुई तो, हमारा हिसाब कहना है। शुरू में दोनों तरफ का काटते थे, 160 रुपए लेते थे, 180 रुपए कर दिए, फिर 200 कर दिए, अब शायद 230 कर दिया माइक्रो वाले, हर महीने बढ़ा देते हैं। आम आदमी की कोई अवकात है वहां तो, चाहे मध्यम दर्जे का आदमी को कोई ये कह दे इतना क्यों बढ़ा दिया, क्योंकि हमारे लड़के गाँव के गुआंड के वहां लठ लेके खड़े कर दिए, कौन किसके साथ झगड़ा करे।
तो ये कंपनियों ने जो लूट मचा रखी है, हमारा जो ढांचा सार्वजनिक तौर पे यहाँ खड़ा किया था, हमारे बुजुर्गों ने मेहनत करके स्कूल, अस्पताल, टेलीफोन एक्सचेंज, बैंक भी में तमाम चीजें आज इनको बेचा जा रहा है एक करके, अंबानी और अदानी को मालिक बनाया जा रहा आज कोरोना के इस दौर में। बाकी सब लोग की आमदनी घट रही है, रेहड़ी वाले से लेकर के बस चलाने वाले तक भी, ट्रांसपोर्टर तक, अंबानी और अदानी की लाखों करोड़ की संपत्ति बढ़ रही है, ये खेल क्या चल रहा है। हमारी अपील है कि आप जैसे बुद्धिजीवियों से भी कि आप इन बातों को प्राथमिकता पे उठाएंगे, आज जो जनता के मुद्दे हैं जाति के, धर्म के, इन पचड़ों से ऊपर उठ करके, क्योंकि ये हमारा देश एक रहेगा तो हमारी आज़ादी रहेगी, वरना देश हमारा ये कहना है कि तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है जो बहुत ही खतरनाक है। तो यही हम आपसे कहना चाहते थे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.